सब्सक्राइब कीजिए मॉम्स मैजिक टेस्टी फूड चैनल को, साथ में बेल आइकन भी दबाइए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राधा दुबे, मॉम्स मैजिक टेस्टी फूड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस को WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने महामारी घोषित कर दिया है। माना कि बहुत सारे लोगों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है, ये वायरस जल्दी फैलता है, तो बहुत जरूरी है कि इसे एक दूसरे तक फैलने से रोका जाए। इसलिए बाजार में जितने मास्क और सैनिटाइजर आ रहे हैं वो बहुत ही जल्दी स्टॉक आउट हो जा रहे हैं, और कुछ तो इतने महंगे हैं कि इसे कोई आम आदमी खरीदने से पहले दो बार सोचता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इन दोनों को घर में बनाने का बहुत ही आसान और कम खर्च में बनाने का तरीका, जो कि बाजार जैसा इफेक्टिव और काफी सेफ बनेगा, जिसे आम आदमी बहुत ही सरल तरीके से अपने घर पर बनाकर खुद को और अपने परिवार को सेफ रख सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे किस तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहला सैनिटाइजर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है डॉक्टर स्पिरिट, जिसे आप रबिंग अल्कोहल के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैंने छोटी बॉटल का यूज किया है, जो कि मेडिकल स्टोर में 30 से 40 रुपए में मिल जाता है, और इसमें अल्कोहल की मात्रा 80 से 90% है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप इसे खरीदें तो इसमें अल्कोहल की मात्रा 80 से 90% होनी चाहिए, क्योंकि जितनी अल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है वो उतना इफेक्टिव होता है। तो अब हम इसे इस बोल में डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने इस पूरे बॉटल का यूज किया है। अब मैंने यहाँ पे लिया है एलोवेरा जेल, आप कोई भी कंपनी का एलोवेरा जेल ले सकते हैं, और अगर आपके घर में एलोवेरा का प्लांट हो तो आप उसमें से भी निकाल कर ले सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एलोवेरा जेल अपने आप में ही बहुत ही गुणकारी है, वो हमारे सैनिटाइजर को बिल्कुल बाजार जैसा टेक्सचर देगा, और साथ ही में हमारे हाथ को भी सॉफ्ट रखेगा, क्योंकि अल्कोहल बहुत ही हार्श होता है, तो इसलिए हम इसे यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बॉटल यानी कि पूरे 60 ml का यूज किया है। अब मैं इसमें डालूंगी 3 से 4 बूंद नीलगिरी का तेल, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल है और ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो कोई भी एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं, जैसे कि लेवेंडर या लेमन ग्रास, लेकिन ये डालना ऑप्शनल है। अगर आप इसे डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप करें। हम इसे सिर्फ दो ही चीजों से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब हम इन सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसे इसी तरीके से विक्स भी मिक्स कर सकते हैं, ताकि सारा एलोवेरा अल्कोहल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये हमारा पहला सैनिटाइजर बनकर तैयार हो चुका है। तो आप इसे इसी तरीके से स्प्रे बॉटल में भरकर यूज करें। अब दूसरा इंस्टेंट सैनिटाइजर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया आफ्टर शेव लिक्विड, ये ज्यादा करके सभी के घरों में मौजूद होता है और ये मार्केट में भी बड़ी आसानी से मिल जाता है। अब इस पूरे बॉटल यानी कि 50 ml को मैं इस बाउल में डाल दूंगी, और साथ ही में हम इसमें डालेंगे 50 ml पानी। आफ्टर शेव और पानी की मात्रा इक्वल रखें। अब हम इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारे दोनों इंस्टेंट सैनिटाइजर बनकर तैयार हो गए हैं, जो कि मार्केट जैसे इफेक्टिव और ज्यादा सेफ है, और ये बहुत ही कम लागत में पूरे परिवार के लिए बनकर तैयार हो जाता है। तो आप इसे इसी तरीके से स्प्रे बॉटल में भरकर यूज करें और अपने हाथों को जर्म्स फ्री रखें। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर मास्क किस तरीके से बना सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा सेफ और हाइजीनिक होता है। तो इसके लिए हम इस तरीके की लेंगे रुमाल, और इस रुमाल को हम अच्छी तरह से फैला लेंगे, और इस रुमाल को हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। आप इस मास्क को बनाने के लिए जो भी कपड़ा यूज करें वो साफ सुथरा और धुला हुआ होना चाहिए। तो इस तरीके से हम पूरे रुमाल को फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरीके से इसे दबाते हुए रुमाल को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे लेंगे 4 प्लास्टिक रबर बैंड, इन दोनों रबर बैंड को हम इस तरीके से ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप इन दोनों रबर बैंड को इस तरीके से ज्वाइन करके यूज करेंगे तो ये आपके कानों से उतरेंगे नहीं। तो मैंने यहाँ पे अच्छी तरह से इन रबर बैंड को ज्वाइन कर लिया है। अब हम इस रबर बैंड को इस रुमाल के आधे हिस्से में अटैच करेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से, और दूसरी साइड के रुमाल को भी हम इसी तरीके से रबर बैंड से अटैच कर देंगे। दोनों रबर बैंड का जो सिरा है बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो इस तरीके से आप रुमाल को अच्छी तरह से सेट कर लें। अब हम इस रुमाल को एक साइड से फोल्ड करेंगे। अब हम इस रुमाल के दूसरे साइड के फोल्ड को उठाकर दूसरे साइड के फोल्ड में डाल देंगे, और इस तरीके से इसे हाथों से प्रेस कर देंगे, ताकि जो इसका फोल्ड है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब हम इन दोनों रबर बैंड को अच्छी तरह से एडजस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हमने होममेड मास्क बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने अपनी फैमिली के लिए घर पर ही 4 से 5 मास्क बनाकर तैयार कर लिया है। आप इसे अच्छी तरह से डेटॉल से सैनिटाइज करके और धूप में सुखाकर बार बार यूज कर सकते हैं। तो आप इसी तरीके से सैनिटाइजर और मास्क घर पर बनाकर यूज करें, और साथ ही में कुछ बातों का ध्यान और रखें, जैसे कि आप अपने हाथ बार बार साबुन से धोते रहें, खांसते और छींकते समय मुंह को अपने रुमाल से ढकें, कहीं पर भी थूके नहीं, किसी को बुखार या खांसी हो तो उसके करीब ना जाएं, और अगर आपको खुद को हो तो आप घर पर ही रहें, लोगों से ना मिलें, और अगर ज्यादा हो और सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उसे अच्छी तरह से पकाकर खाएं। कहीं अगर आप बाहर जाते हैं तो सैनिटाइजर लेकर निकलें और मास्क को पहनकर निकलें, जिससे कि आप सेफ रहेंगे।
और जब तक आप बाहर हैं तो अपने हाथ से आंख, नाक और मुंह को ना छुएं, क्योंकि यहीं से ही कोरोना वायरस बॉडी में फैलता है। और आप इस कोरोना वायरस की जानकारी लोगों को दें, अफवाहें ना फैलाएं, ना ही लोगों को डराएं और ना खुद डरें। तो इस तरीके से आप सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और सावधान रहिए। और अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर करें।